हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोसेंस। आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं पोर्ट्रोनिक्स 226 वायर्ड ऑप्टिकल माउस। यदि आप अपने लिए एक अफोर्डेबल माउस ढूंढ रहे हैं अंडर 200 रुपीज तक, तो आपको ये ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। मॉडल आईडी है हमारे पास 226-41630, कलर है हमारे पास ब्लैक, ये है हमारे पास वायर्ड माउस। इसमें हमें मिल जाती है 1 साल की वारंटी, प्लस ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। प्राइस है इसकी 399 रुपए, लेकिन ऑनलाइन ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप खरीदना चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं और वो एक अफिलिएट लिंक होगा। सो आप देख सकते हैं इसकी इतनी सारी विशेषताएं हैं। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ये माउस हमें किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की प्लास्टिक की पैकेजिंग में आपको माउस रिसीव होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट है। इसमें हमें मिल जाता है 1500 DPI। आप देख सकते हैं इसका जो क्लिक व्हील है वो काफी अच्छा और काफी अच्छी क्वालिटी का है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें मिल जाता है हमें इस प्रकार के छोटा सा कार्ड, जिसे आप वारंटी कार्ड बोल सकते हैं। तो आप अपनी वारंटी इस व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं हमें इस प्रकार का माउस रिसीव होता है। ये है इसकी केबल, जिसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फिक्स करेंगे। इसकी जो केबल है उसकी लेंथ है हमारे पास 1.35 मीटर, जो कि काफी अच्छी है, और प्लस केबल की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। इस माउस के जो बटन है वो भी काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। ये जो हमारे पास क्लिक व्हील बटन है वो भी काफी स्मूथली तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसकी है हमारे पास इर्गोनोमिक डिजाइन, यूएसबी इंटरफेस मिल जाता है, कॉम्पैक्ट डिजाइन मिल जाती है, वर्क्स ओवर 30 लैक्स क्लिक, 1.35 मीटर की केबल लेंथ मिल जाती है और 1500 DPI मिल जाता है, और ये है ऑप्टिकल ओरिएंटेशन माउस। यहाँ पर हमें जो माउस के क्लिक बटन है आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। दोनों ही जो हमारे पास क्लिक बटन है काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस की डिजाइन काफी अच्छी की गई है, प्लस जब हम इस माउस को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो ये माउस बिल्कुल फिसलता नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन काफी अच्छी तरीके से की गई है। ये हमारे पास है माउस की बैक साइड, जिसमें आपको यहाँ पर फुटपाथ मिल जाता है, बीच में हमें लाइट मिल जाती है और नीचे की साइड भी हमें फुटपाथ मिल जाता है। इसका फुटपाथ काफी अच्छा है। यदि आप बिना माउस पैड के भी यूज करेंगे इस माउस को, तो भी आपका ये माउस काफी स्मूथली वर्क करेगा। चलिए इसे यूज करके बताते हैं। सबसे पहले आपको अपनी माउस की यूएसबी केबल को अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में इस प्रकार फिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे माउस की जो बैक साइड है उसमें हमें रेड लाइट जलती हुई देखने को मिल रही है। माउस की डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट होने के कारण ये हमारे हाथ में काफी अच्छे तरीके से फिट हो जा रहा है, और प्लस ये वर्क भी काफी स्मूथली कर रहा है। सो बिग थम्स अप फॉर दिस। यदि आप इसे खरीदना चाहें तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। अफोर्डेबल है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, केबल लेंथ हमें काफी मिल जाती है। सो आप देख सकते हैं ये माउस हमारे लैपटॉप पर काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। इसी प्रकार आप इसे अपने कंप्यूटर में लगाकर भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने अपने माउस के नीचे माउस पैड नहीं लगा रखा है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन यदि आपके पास माउस पैड है तो आप माउस पैड लगाकर ही माउस का यूज करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू टेक्नोसेंस। थैंक यू।